कड़ी लगा है। राम की जन्म हुए पर मंदिर बनाने की हिंदुओं की 450 वर्षों से इच्छा थी और भाजपा ने वचन दिया था कि पूरे बहुमत की सरकार आएंगे तो संसद में कानून बनाकर मंदिर बनेगा। 4 साल हो गए पूरे बहुमत की सरकार है, अब तक राम मंदिर का कानून बनाकर राम मंदिर नहीं बना, तो देश का हिंदू दुखी है और चाहता है कि जल्द राम मंदिर बने और फिर भी सरकार नहीं बनाती है। तो विजयादशमी के बाद अक्टूबर में लखनऊ से हिंदुओं की अयोध्या कूच हो गई और ये देश का हिंदू समाज जैसे अयोध्या में शिलान्यास करवाया था ऐसे ही राम की जन्म पर मंदिर बनाता रहेगा। जब चुनाव आता है तभी राम मंदिर का मुद्दा आता है, उसका बीजेपी भूल जाती है और फिर हवाला देती है कि गोल्ड पे मामला है, अब फिर लोकसभा चुनाव आ रहा है। बीजेपी को ही याद दिला रहे, वो भूल जाएंगे हमने। अच्छा ये बात की जाए कि एक बरेली में हुआ है 3 तलाक और हलाला का मामला, एक महिला ने इसको इस पर विरोध किया है, मुस्लिम महिला ने, उसको जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसके विरुद्ध फतवा जारी कर दिया, क्या लग रहा अपनी अपनी बात कहने के विरुद्ध फतवा जारी होना मुस्लिम? तो हिंदुओं का नेता हूँ, हिंदुओं की बात करूँ। अच्छा चुनाव आ रहा है 2019 का, आरक्षण का मुद्दा फिर फूल पकड़ने लगा है। सबको रोजगार मिलना चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको रक्षा रोजगार और शिक्षा दे दो तो झगड़ा समाप्त हो जाए। तो क्या लग रहा है ये आरक्षण का मुद्दा जो ला रही है वोट बैंक की राजनीति के तहत है या क्या लगता है? सबको शिक्षा और रोजगार देना चाहिए।